नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी का मेरे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। इस पॉडकास्ट में मैं जिंदगी के हर उन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करता हूं जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर हफ्ते वेडनेसडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नए एपिसोड के साथ। तो चलिए साथ चलते हैं और जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड भी फ्रॉड के ऊपर है। जैसे कि आप सबने मेरे प्रीवियस फ्रॉड के ऊपर वाले एपिसोड को ध्यान से सुना था, उम्मीद है आज का एपिसोड भी आप ध्यान से सुनेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। देखिए, जिंदगी को समझने की हमारी ये जो कोशिश है इस पॉडकास्ट के जरिए, उस पर ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सेफ्टी कम फर्स्ट। और आज की डेट पे साइबर थेफ्ट इज द मोस्ट कॉमन थेफ्ट। चलिए बात करते हैं कि किस तरह से फ्रॉड हो रही है। फ्रॉड नंबर वन, अच्छा इस फ्रॉड के बारे में आपने सुना भी होगा। इस पे क्या होता है कि आपके पास एक डिलीवरी आती है, आप जाते हैं डिलीवरी रिसीव करने के लिए, आपको पता नहीं होता कि कहाँ से डिलीवरी है और डिलीवरी एजेंट आपसे ओटीपी मांगता है। आप कहते हैं मेरे पास तो ऐसा कुछ ओटीपी नहीं है, तो उन्होंने कहा बिना ओटीपी के मैं तो आपको डिलीवरी कर ही नहीं सकता। और उस दौरान आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, आप सोचते हो कि किसने भेजा है, घर वालों से पता कर लेते हो। और ये फ्रॉड स्टार क्या करते हैं ना, बहुत इनके नेटवर्क होते हैं, वो बहुत स्टडी करते हैं प्रोफाइल के ऊपर ना, तो कोशिश यही करेंगे कि ये आपके जन्मदिन के आसपास हो या फिर ऐसा कोई इवेंट के आसपास कुछ भेजे ताकि आपको शक ही ना हो। तो आप जैसे ही उनको ओटीपी देने के लिए कोशिश करेंगे, मतलब ओटीपी तो वैसे आप देंगे नहीं क्योंकि आपके पास कुछ आया नहीं, तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है फिर आप एक कस्टमर केयर है उन पर कॉल कर लीजिए, वही नंबर देंगे जो डिलीवरी बॉय आएगा वही नंबर देंगे और आपको बोलेंगे कॉल कर लेने के लिए और उसके बाद ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप कॉल करेंगे उस वक्त सच में ओटीपी आएगा और अगर आपने वो ओटीपी उस इंसान के साथ शेयर कर दिया जो प्रोडक्ट को डिलीवर करने आया था, तो प्रोडक्ट तो वो डिलीवर कर देगा लेकिन आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, फ्रॉड नंबर टू, आजकल ये बहुत ही भयानक तरीके से होने लगा है और ये है सोशल इंजीनियरिंग वाला फ्रॉड, जिससे क्या होता है कि आपके डिटेल कहीं से भी ये लोग निकाल सकते हैं। एंड मेरा मतलब है कहीं से भी, क्योंकि देखिए आजकल पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर हम हर किसी लॉगिन में यूज़ करते ही करते हैं। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड ना भी हो तो ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर तो यूज़ करते ही हैं, दैट इज़ मैंडेटरी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आपका ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास चला जाए, क्योंकि डेटा लीक आजकल होती हैं, कंपनीज पैसे दे के डेटा खरीदती हैं और कंपनीज पैसे के लिए डेटा बेचती भी हैं। तो इसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन भी पब्लिकली अवेलेबल होता है एंड स्पेसिफिकली फॉर द फ्रॉड स्टार्स, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो फ्रॉड स्टार क्या करेंगे, किसी ना किसी रूप से आपको फ़ोन करेंगे, आपको डराएंगे, धमकाएंगे और उसके बेसिस पे वो एक डर का माहौल करके आपसे पैसे लूटने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक किस्सा बताता हूँ जो हाल ही में मेरे साथ हुआ है। पिछले हफ्ते मेरे पास एक कॉल आया था और वो कॉल एक डिलीवरी कंपनी से था, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ब्रांड का नाम लेने से उस ब्रांड की बदनामी होती है, पर एक डिलीवरी कंपनी से, एक शिपमेंट कंपनी से कॉल था और वो कॉल एक आईवीआर में था। अब जैसे ही मैंने उसको रिसीव किया तो उसमें बताया गया कि आपका जो भी पार्सल है वो होल्ड पर चला गया है। अब मैं एक पार्सल एक्सपेक्ट भी कर रहा था उस दौरान, इंटरनेशनल पार्सल भी था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। एंड जब मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि फॉर सम रीज़न इट इज़ ऑन होल्ड। तो मैंने कस्टमर सपोर्ट में बात करी, उन्हीं कस्टमर सपोर्ट ने बताया कि इस पर कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जो कि सही नहीं है। तो मैंने पूछा कैसी चीज़ें, तो उन्होंने कहा कि इस पर पासपोर्ट, सिम और आधार कार्ड का डिटेल, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं और आप इसको फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं जो कि एक इलीगल आइटिनरी है। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कंप्लेन कर दीजिए पुलिस में। अब मैंने भी एक अच्छे नागरिक की तरह पुलिस में कंप्लेन करना सही समझा, उन्होंने भी यही बताया। मैंने कंप्लेन करी और कंप्लेन भी कैसे करा, उन्होंने ही कॉल ट्रांसफ़र करके दी, उन्होंने मुझे एक नंबर भी दिया, सारी डिटेल मैंने ली जो एक आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो आप वैसे ही कलेक्ट मैंने किया। और उसी कलेक्शन के बाद मैंने उनसे नंबर भी लिया पुलिस वाले का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब उन्होंने कॉल ट्रांसफ़र करी, मैंने पुलिस वाले से बात करी, पुलिस वाले ने मेरा FIR लिखा, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए मुझे वीडियो कॉल किया, उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि आप अकेले हैं कि नहीं, फिर उन्होंने मुझसे सारी डिटेल पता करी, मुझे सपोर्ट भी किया कि हाँ हाँ ये सारी चीज़ें हैं, एंड देन
मैं कॉल पे रहते वक्त ही उन्होंने कंट्रोल रूम पे बात करी ये पता करने के लिए कि मेरी आईडी कहाँ कहाँ मिसयूज हुई है। एंड देन उन्होंने धीरे धीरे मुझ पे चार्जेस लगाने शुरू कर दिए कि ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के साथ लिंक है, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग माफिया, इस तरह से। तो एक कॉमन मैन घबरा जाता है। और उसके बाद ACP से बात करना, उनको बोलना कि तुरंत मुझे अरेस्ट किया जाए या फिर आपको अरेस्ट किया जाए, जिसके पास भी कॉल आता है, तो इंसान घबरा जाता है। एंड देन वो करते हैं कि एक लॉयर को कनेक्ट कर देते हैं, फिर लॉयर बोलेगा कि ठीक है आपको हम बेल दे देंगे, एंटीसिपेटरी बेल करवा देंगे, लेकिन आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि अच्छा फॉर्म कैसे फिलअप करें, तो उन्होंने कहा कोई नहीं आपको वीडियो कॉल में रिकॉर्डेड लाइन है तो ये हो जाएगा और आप इस पे अमाउंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब कोई भी इंसान पैसे तो ट्रांसफ़र कर देगा, क्योंकि आप ये सोचिए कि एक कॉमन सिचुएशन में आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा जब भी हम लीगल फॉर्मेलिटीज़, टेररिस्ट एक्टिविटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग माफिया, इन इस तरह की बातें सुनेंगे। और वो भी सामने से जब कोई वीडियो कॉल करेगा, वर्दी में होगा, प्रॉपर तरीके से बात करेगा, एंड देन आपको फ़ोन पे वायरलेस की साउंड सुनाई देगी, वॉकीज़ की साउंड सुनाई देगी। जब लॉयर आपसे बात करेगा, प्रॉपर तरीके से बात करेगा, अपनी आईडी शेयर करेगा, उसका फ़ोटो अपने साथ शेयर करेगा, तो आपको लगेगा कि सारा चीज़ बहुत जेन्युइन है। और वहीं पर आप गलती कर बैठोगे, वहीं पर आप पैसे दे बैठोगे, और ऐसे पैसे बहुत अकाउंट से गए हैं। और इस पर सामने वाला आपको ये भी बोलेगा कि UPI से मत दीजिए, OTP मुझे मत बताइए, क्योंकि देखिए उसको ज़रूरत ही नहीं है OTP की, वो आपका अकाउंट आप ही से खाली करवा रहा है। तो ऐसे फ्रॉड से बच के रहिए। और ऐसा ही फ्रॉड मेरे साथ पिछले हफ्ते होने ही वाला था, लेकिन मैं बच गया। और पुलिस वालों ने भी यही बताया कि ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे बच के रहिए। दिस इज़ फ्रॉड नंबर 2। फ्रॉड नंबर 3, अच्छा आजकल ना एक, इट्स नॉट अबाउट एक, बट बहुत सारे इंटरनेशनल कॉल लोगों को आने लगे हैं। और उस इंटरनेशनल कॉल में कुछ में इतना टेक्नोलॉजी आ गया है जो मुझे सुनने में आया है, दैट इज़ दैट कैन हैक योर कॉन्टेक्ट लिस्ट। आपके जो भी फ़ोन में सेव किए हुए डेटा है वो हैक हो सकता है उसी कॉल के ज़रिए। अब कैसे होता है मुझे नहीं पता, कितना होता है, कितनी बातों में सच्चाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल अनवांटेड कॉल है तो रिसीव मत कीजिए। अच्छा मैंने पिछली बार बताया था कि व्हाट्सएप में काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, व्हाट्सएप में काफ़ी सारे इंटरनेशनल कॉल आने लगे हैं अभी हाल फिलहाल में, तो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। तो अगर आपने व्हाट्सएप को अपडेट नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। वहाँ पे एक फ़ीचर आया है जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आता है, जहाँ पे आपके कोई भी अननोन नंबर से कॉल को वो साइलेंट कर सकता है, तो उसको इनेबल कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट वो इनेबल नहीं रहता है। जब आप उसको इनेबल कर लेंगे तो कोई भी इस तरह का अननोन कॉल अगर होगा तो वो साइलेंट रहेगा, आप देख पाएंगे लेकिन आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इमीडिएटली आपको ब्लॉक करने का ऑप्शन भी आता है, जो कि लेटेस्ट फीचर में व्हाट्सएप ने ऐड किया है, बिकॉज दीज आर लाइक ग्रोइंग क्राइम्स। तो एज अ टेक कंपनी दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे हैव एडेड दोज फीचर्स, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू यूज़ एंड इम्प्लीमेंट दोज फीचर्स टू सेव गार्ड योर सेल्फ। तो ये ज़रूर कीजिए। फ्रॉड नंबर 4, फ्रॉडस्टार ना कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं। तो हाल ही में मेरे साथ एक और किस्सा हुआ जिस पे मुझे एक मेल आया, और वो मेल Amazon जो गिफ्ट वाउचर है उससे था, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने उस पर क्लिक भी किया तो मुझे एक कोड मिला, उस कोड को Amazon में डालने के बाद आपका Amazon अकाउंट पे जो भी है उस पर वो वाउचर ऐड हो जाएगा, और उस पर 1000 रुपीज़ या फिर 1500 इस तरह की राशि आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। अब देखिए किसी को भी ये लग जा सकता है, बट मैं सेफ था क्योंकि मैंने थोड़े से ये सावधानी बरती, बट मोस्टली पीपल यही करने के चक्कर में अपने अकाउंट से चीज़ें गायब कर देते हैं खुद ही। तो बहुत ध्यान रखिए कि अगर आपने कहीं पे अप्लाई नहीं किया है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन से कभी कभी गिफ्ट वाउचर आता है, आपके दोस्त कभी कभी आपको भेजते हैं, तो उस पर ना डिटेल्ड मैंशन होता है या फिर सामने वाला इंसान आपको खुद से बता देता है। लेकिन अगर आपके पास कोई रेंडम ऐसे वाउचर आ गए जो कि आपको कैशबैक दे रहे हैं या फिर कैश दे रहे हैं, तो उनसे बच के रहिए, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस दे आर नॉट रियल एंड दे आर गोइंग टू क्लीन योर बैंक अकाउंट लाइक एनीथिंग, सो स्टे सेफ। फ्रॉड नंबर 5, अच्छा ये सोशल मीडिया फ्रॉड है। अब ये वाला फ्रॉड क्या होता है कि इस पर कोई भी एक रैंडम कॉन्टैक्ट आपको मैसेज करेगा, आपको कोई लिंक शेयर करेगा। अब लिंक के बारे में सारे सतर्क हो चुके हैं, तो इसीलिए ना आजकल कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं। सो व्हाट इज़ दिस कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग?
इस पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को लेकर वो आपको मैसेज करेगा, कुछ बातचीत करेगा, देन आपको कोई लिंक शेयर करेगा एंड देन व्हेन यू फिल दैट अप आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। एक दूसरा तरीका है जैसे कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है तो उस पे वो कुछ प्रमोट करने की कोशिश करेगा, कुछ सेल आउट करने की कोशिश करेगा और उसी ज़रिए आपसे सारी चीज़ें खाली करवा देगा अपने अकाउंट से। अच्छा, एक और तरीका आ गया है और ये मैंने अपने फ्रेंड से सुना क्योंकि उसके साथ ये चीज़ हो चुका है और ये सारे सोशल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। तो क्या होता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन है या फिर किसी भी तरीके से अगर आपके अकाउंट में रेगुलर ट्रांजेक्शन है जिससे कि आपको पैसा मिलता है, आप कहीं पर ट्रांसफ़र करते हैं एंड एक प्रोसेस है उसका, जैसे मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था क्या, अब उसका फैमिली बिजनेस है और उसके जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं, मतलब जो भी उसका बिजनेस है उस पर जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पर जो बायर हैं उनको पैसे देते हैं और जो भी कैश डीलिंग होती है वो उनके भाई डील करते हैं। अब क्योंकि उनके भाई को ऑनलाइन वाला ज़्यादा नहीं पता तो मेरे फ्रेंड को बता देते हैं कि तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा और तुम उसे मेरे अकाउंट पे सेंड कर देना। तो अच्छी बात है। अब मेरे फ्रेंड के पास एकदम से कॉल गया और उसमें जैसे नॉर्मल बाकी लोग कॉल करते वैसे ही बताया कि अच्छा हेलो एक्स वाई जी, आपका नंबर आपके भैया ने मुझे दिया एंड मुझे आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं फॉर एक्स वाई जी ऑर्डर, तो आप जल्दी से ले लीजिए बिकॉज मैं काफ़ी परेशान हूँ, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, भैया को शायद ऑनलाइन बैंकिंग नहीं पता। तो मेरा फ्रेंड भी बहुत ही कूल था, उसने कहा कि हाँ ऐसे तो होता ही है, तो उसने ज़्यादा सोचा भी नहीं एंड देन ही सेट कि अच्छा ठीक है आप मुझे ट्रांसफ़र कर दो एंड देन ही सेट कि आप कैसे ट्रांसफ़र करोगे मेरे पास। तो और ये ना कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं ताकि आपका ट्रस्ट जीत पाए एंड देन वो अपना गेम खेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास ना फ़ोनपे नहीं है, गूगल पे नहीं है, मैं ऐसे उससे पेटीएम यूज़ करता हूँ या फिर कोई बोलेगा कि मैं फ़ोनपे यूज़ करूँगा लाइक दैट। तो मेरे फ्रेंड ने दे दिया इन्फॉर्मेशन और जैसे ही दिया, आजकल देखिए हर एक यूपीआई सिस्टम पे आपको लिंक सेंड करने का ऑप्शन आता है, तो उस पर उसने लिंक शेयर कर दिया। अब देखिए लोग ना अलग अलग प्लेटफॉर्म में जब लिंक शेयर करते थे, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मैसेज में किसी ने लिंक शेयर कर दिया, व्हाट्सएप पे कर दिया, तो आप उस पर लिंक पे क्लिक नहीं करोगे, लेकिन यूपीआई में कोई अलग से मैसेज नहीं करता, UPI के ऐप में कोई मैसेज नहीं करता। तो वहाँ पे मैसेज करके आपको बताया जाएगा कि ये लिंक है, आप इसमें से मुझे पैसे दे सकते हो या फिर मेरे से ले सकते हो। अब जो बातें होंगी वो तो एक अलग होंगी, लेकिन वो लिंक एक स्पेसिफिक अमाउंट का होता है और अगर आपके अकाउंट में उतना अमाउंट है तो वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड के केस में ये 20,000 का एक किस्सा हो रहा था, ट्रांजेक्शन हो रहा था जिसपे मेरे फ्रेंड को उस फ्रॉड स्टार से टेक्निकली 20,000 मिलने थे, मतलब टेक्निकली इज़ लाइक जैसे एक केस फॉर्म हो रहा था कि हाँ मैं आपको 20,000 दे दूंगा, आप फिर अपने भैया को दे देना वगैरह। लेकिन उसने बातों बातों में ये बता दिया कि ठीक है मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसमें से मुझे पैसे दे दीजिए, क्योंकि उसने लिंक वर्ड यूज़ कर लिया था। तो मेरे फ्रेंड ने पकड़ लिया और उनसे पूछा कि ठीक है आप थोड़ा सा और डिटेल बताइए आपके बारे में, एंड आफ्टर अ पॉइंट उस फ्रॉड स्टार को पता चल गया कि उसका दाल नहीं गलने वाला एंड माई फ्रेंड हैज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि ही इज़ अ फ्रॉड स्टार, तो वो बाल बाल बच गया। तो आप सोचिए कि कितना मेहनत करके ये आपके बारे में सारी जानकारी लेते हैं एंड एक सिचुएशन बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए थोड़ी सी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कि रेमेडीज़ क्या हैं, सोल्यूशन क्या है। तो देखिए सोल्यूशन तो सबसे यही बोलूँगा वो हर फ्रॉड के लिए एप्लीकेबल होगा, वो है कि अवेयरनेस होना, नॉलेज होना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें ऑनलाइन मिलती है जो कि अवेयरनेस के लिए होती है, जैसे कि मेरा ये पॉडकास्ट हो सकता है, किसी और का यूट्यूब हो सकता है, वट एवर इट इज़, बी अवेयर ऑफ दैट एंड स्प्रेड दैट अवेयरनेस, जो कि आपको भी या फिर अपने अपनों को भी सेफ रखने में मदद करेगी। दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू इज़ आपको चौकन्ना रहना है हमेशा किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले, और स्पेसिफिकली ऐसे ट्रांजेक्शन के केस पे ट्रस्ट करने से पहले आपको चौकन्ना रहना है और आपको बहुत ही सोच समझ के पैसे ट्रांसफ़र करने, और ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप किसी को बिल्कुल नहीं जानते, कभी नहीं बात किया, कभी फेस टू फेस नहीं मिले, अवॉइड डूइंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सिर्फ जाने वालों के साथ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए, बेटर है। ऑनलाइन में चीज़ें जब आप परचेज करते हैं तो प्री पेड मत कीजिए, अगर अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ही ज़्यादा एक ट्रस्टेड वेबसाइट से कर रहे हैं, जैसे अगर आप अमेजोन से कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ऑलवेज मेक इट कैश ऑन डिलीवरी। उससे क्या हो जाएगा कि या तो प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है तो भी आप बच जाएंगे,
या फिर अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो भी नहीं कर पाएगा, वो आपके घर आ जाएगा। एक और दूसरा अप्रोच भी है कि आप सच में कैश ऑन डिलीवरी ना करते हुए ऑनलाइन पे कर सकते हैं, बिकॉज उस पर अगर आप जानते हैं कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है उसका एक रिकॉर्ड बना रहेगा एंड टेक्निकली आपको वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, रिफंड भी मिल जाता है। सो इट्स ए चॉइस, किसी भी अननोन वेबसाइट से, बहुत ज़्यादा रिनाउंड वेबसाइट नहीं है तो प्रेफर कैश ऑन डिलीवरी, अगर नोन एंड ट्रस्टेड वेबसाइट है तो यू कैन गो फॉर प्रीपेड। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज आपको अपने सारे डिवाइसेस, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, उसको अप टू डेट रखना है विद लेटेस्ट एंटीवायरस या फिर जो भी फिशिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, ब्लॉकर लगा के सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए। अक्सर ना हम इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और इसके वजह से हमें पता भी नहीं होता कि हमारा कहाँ पे डेटा लीक हो रहा है, डेटा फ्रॉड हो रहा है या फिर फ्रॉड होने के चांसेस हैं। अगर आप गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे पासवर्ड सेक्शन में जाके आप अपने पासवर्ड्स को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बता देगा कि ये वीक पासवर्ड है, यहाँ पे डेटा ब्रीच हुआ है। अब डेटा ब्रीच का मतलब ये नहीं कि किसी और ने आपके पासवर्ड को चुरा लिया, हो सकता है कि आपने मल्टीपल डिवाइसेस में लॉगिन करे हों और वो कुछ कैप्चर कर रहा हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप ब्राउज़र में पासवर्ड को सेव ना रखें। सेकेंड, आप किसी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट पे अपने पास रखें पासवर्ड को और कोशिश कीजिए कि याद ही रखें। और कुछ ऐसे पासवर्ड है जैसे बैंकिंग वगैरह के, तो इसको रेगुलरली चेंज करते रहें और उसकी क्रिटिकलिटी लेवल को थोड़ा सा हाई रखें और उसको लिख रखें अपने पास, ताकि किसी और का उस पर कोई एक्सेस ना हो, तो इसका ध्यान रखें। कुछ लोग ये भी करते हैं कि अपने बैंक अकाउंट नंबर, अपने ATM पिन, क्योंकि वो भूल जाते हैं तो वो अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर लेते हैं। अब जब कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप सेव कर लोगे तो अगर कोई आपका कॉन्टेक्ट ही हैक कर लेगा तो उसको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि आप, और ये ज़्यादातर बुज़ुर्ग इंसान करते हैं, तो प्लीज़ अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग को हेल्प कीजिए इस मामले में। ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस होंगे जहाँ पर टेक्निकल एडवांसमेंट उनको उतना नहीं पता होगा, तो एज अ यूथ अगर आप घर पे टेक सेवी हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप उनको समझा दें या फिर उनके फ़ोन को लेकर सेटिंग उस तरह से कर दें। UPI ट्रांजेक्शन सबके साथ मत कीजिए, बहुत टेंशन होती है इसके बारे में, क्योंकि इमीडिएटली पैसा कट जाता है और वो पैसा आपके पास वापस नहीं आएगा। अनलेस एंड अंटिल यू आर कम्प्लीटली श्योर, आप UPI ट्रांजेक्शन मत कीजिए। सामने से सामने आप QR कोड के साथ कर सकते हैं या फिर जिस इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं, जिसका नंबर आपके पास सेव हो, प्रॉपर तरीके से ऐसे ट्रांजेक्शन कीजिए। अच्छा, कोई भी सिचुएशन पे अगर आप फंस जाते हैं ना तो पैनिक मत होइए, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय हम पैनिक होने की वजह से खुद ही खुद को फ्रॉड स्टार के हवाले कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि ये बहुत रिस्की है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा समझेंगे और फिर एक्शन करेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि ये मैंने खुद के साथ भी देखा है। अब देखिए, पिछले हफ्ते मेरे साथ फ्रॉड होते होते बचा एंड आई वॉज ऑलमोस्ट फॉलिंग इन टू द ट्रैप। अगर मैं थोड़ा सा सोचता नहीं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि हाई कोर्ट के वकील ने भी मेरे साथ बात कर ली एक ही नंबर से, पुलिस ने भी फ़ोन कर लिया, फिर डीप फेक का यूज़ करके उन्होंने एक वीडियो कॉल बना ली वगैरह, तो क्योंकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज थी तो कहीं ना कहीं मैं बच गया, या फिर मेरे दिमाग में ये थॉट भी आया कि क्या ये फ्रॉड तो नहीं। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, अगर ऐसा लीगल सिचुएशन आ जाता है या फिर ऐसा कुछ, तो कोई भी डर के फंस सकता है। तो बस इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिए, अपने फ़ोन, ऐप, लैपटॉप, हर चीज़ को अप टू डेट रहिए, दुनिया के खबरों के साथ अप टू डेट रहिए, एंड जैसे ही आपको अवेयरनेस वाली इन्फॉर्मेशन मिले, खुद के साथ और दूसरों के साथ ये जितना हो सके इम्प्लीमेंट करके शेयर कीजिए, तभी जाके हेल्प होगा, तभी जाके हम ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने अपनों को भी ऐसे सिचुएशन से बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और इसको आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसी चीज़ें किसी के साथ ना हो, ऐसी अनहोनी, ऐसे हार्ड अर्न मनी को लूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग ऑडिबल्स ऑफ लाइफ। दिस इज पीयूष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।